एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सन के बाहर एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। एलिप्टिकल समझ क्यों, ओवल शेप, ओवल शेप लाइक दिस। मैंने आपको पहले भी बताया ओवल आप समझते हो अंडे की शक्ल, या आपने एक सुना होता है ओवल क्रिकेट स्टेडियम अमेरिका का ओवल ऑफिस, कॉमन एग्जांपल्स हैं आपने डेली लाइफ में। तो ओवल शेप में एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, तो मैं ये कह रहा हूं अर्थ अराउंड द सन एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, ना सिर्फ अर्थ बल्कि सारे प्लैनेट्स। इस बात को आप जनरलाइज करें, सारे प्लैनेट्स आपके एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते, हम तो सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारे मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना ऊपर, ये सारे प्लैनेट्स के ऊपर आप इस बात को जनरलाइज कर, ये सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। इसके लिए बाकायदा साइंस में एविडेंस मौजूद है, लॉ है कैपलर का लॉ कहते हो, जैसे छोटी क्लासों में आप न्यूटन के लॉज पढ़ते थे ना, इसी तरह प्लैनेट्स के लिए, इन प्लैनेट्स के लिए कैपलर के लॉज है, वो बाकायदा एक लॉ साबित करता है कि सारे प्लैनेट्स अराउंड द सन एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। बात समझ रहे? इसी तरह एक और बात भी लिखे, इसका सर्टन रेडियस भी होता है, अर्थ का सर्टन रेडियस भी, अर्थ एग्जैक्ट स्फीयर तो नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है, इसका सर्टन रेडियस है। रेडियस समझते हैं आप, रेडियस तो ये चीज होती है, मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया हुआ, ये रेडियस है सेंटर से बाहर तक का फासला, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, ठीक हो गया जी।